नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। दोस्तों आज का विषय 10th और 12th वालों के लिए हिंदी लेखक और रचना पर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण होगी। बात कर लेते हैं गोकुलनाथ और इनकी रचना 84 वैष्णवन की वार्ता और इनका विधा जो है वार्ता साहित्य। विट्ठलनाथ श्रृंगार रस और मंडन इनकी रचना ब्रजभाषा गद्मी दी हुई है। वैकुंठमणि शुक्ल वैशाख महात्मय और इनका ब्रजभाषा गद्मी दी हुई है। आगे नवादास अष्टयाम ब्रजभाषा गद्मी हुई और बनारसीदास या बनारसी विलास और इनका विधा ब्रजभाषा गद्मी है। वैष्णवदास इनकी जो रचना है भक्तमाल प्रसंग और इनका विधा ब्रज भाषा गद्य है। कविगंग छंद वर्णन की महिमा इनकी रचना और खड़ी बोली गद्य इनका विधा है। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ और इनका विधा खड़ी बोली गद्य है। दौलत राम पदम पुराण भाषानुवाद यह इनका विधा है, रचना पदम पुराण है। मथुरा नाथ शुक्ल और इनकी रचना प्रसांग पंचांग दर्शन ज्योतिष ग्रंथ इनका विधा है। ईसा अल्लाह खां रानी कित की कहानी इनकी रचना और कहानी विधा। मुंशी सदा शुक्लाल इनकी रचना शुक सागर और खड़ी बोली गद्मे है। लल्लू लाल और इनकी रचना प्रेम सागर और यह कहानी विधा है। लल्लूलाल माधव विलास इनकी रचना ब्रजभाषा गद्य इनकी विधा। सदल मिश्र नासके तोपाख्यान इनकी रचना और आख्यान इनका विधा। देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता इनकी रचना उपन्यास में दिया हुआ है। राजा शिव प्रसाद सितारेन राजा भोज का सपना इनकी रचना और कहानी में दिया हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला और नाटक इनकी विधा शकुंतला इनकी रचना है। गोपाल चंद्र गिरधरदास इनकी रचना जो है नहुस है और नाटक विधा है। किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती इनकी रचना कहानी में दिया हुआ। श्री निवास दास परीक्षा गुरु इनकी रचना उपन्यास में दिया हुआ। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश धार्मिक ग्रंथ है। वार्तेंद्र चंद्र अंधेर नगरी नाटक सहित सत्य हरिश्चंद्र नाटक और मदालसा या निबंध है। वैद्य की हिंसा न भौती या नाटक। दिल्ली दरबार दर्पण या निबंध है वार्तेंद्र चंद्र का। इसके बाद श्याम सुंदर दास के बारे में बात करें। रूपक रईस या आलोचना है श्याम सुंदर दास। साहित्य आलोचना है या श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास इसका जो आलोचना है। श्याम सुंदर दास भाषा विज्ञान है। भाषा विज्ञान इसका विधा है। भाषा राइस भाषा विज्ञान है। वैज्ञानिक कोश और कोश विधा है श्याम सुंदर दास के द्वारा। हिंदी शब्द सागर इनकी रचना और कोश इनकी विधा है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निबंध है। रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा आलोचना है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास है। वियोगी हरि त्रंगणी और गद गीत है। पांव भर आटा गद गीत है। मंदे प्रवेश धर्म है। वियोगी हरि पगली या रचना गद गीत में है। वीर हरदौल या नाटक है। छज्ञ योगिनी या इनकी रचना और आत्मकथा में है। मेरा जीवन प्रवाह या निबंध है। विश्व धर्म या निबंध है। साहित्य विहार या भी निबंध है। प्रेम पथिक काव्य है। मेवाड़ केसरी या भी काव्य है। अंतर्नाद या गद्य काव्य है। हरिभाव उपाध्याय बापू के आश्रम में संस्मरण है। सर्वोदय की बुनियाद या निबंध है। स्वतंत्रता की ओर या भी निबंध है। पुण्य संस्मरण या संस्मरण है। हरिभाव उपाध्याय द्वारा साधना के पथ पर या जीवनी हमारा कर्तव्य और युग धर्म या भी निबंध है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा आंधी या कहानी है। आकाशदीप या कहानी है। पुरस्कार या भी कहानी है। इंद्रजाल या भी कहानी है। कंकाल या उपन्यास है। महत्वपूर्ण है ये।
जयशंकर प्रसाद के द्वारा तितली या उपन्यास है, कामायनी या महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त या नाटक है, अजातशत्रु या भी नाटक है, चंद्रगुप्त या भी नाटक है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा ध्रुवस्वामिनी या भी नाटक है, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श आलोचना है, विश्व साहित्य या भी आलोचना है, पंचपत्र या निबंध है। प्रज्ञवन निबंध, प्रज्ञवन ये भी निबंध है। कुछ विक्रय पन्ने निबंध है, गुलाब राय मेरा निबंध या निबंध है, ठलुआ क्लब या निबंध है, मेरी असफलता या आत्मकथा है। बात कर रहे हैं मन की बातें या निबंध है, काव्य के रूप आलोचना है, सिद्धांत और अध्ययन या आलोचना है, राष्ट्रीयता या आलोचना है, हिंदी नाट्य विमर्श या भी आलोचना, अध्ययन और अश्वाद या आलोचना है, हिंदी काव्य विमर्श या आलोचना है, नवरस या भी आलोचना है, हिंदी साहित्य का शुभोध इतिहास या इतिहास है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मेरी आत्मकथा या आत्मकथा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शिक्षा और संस्कृति या निबंध है, भारतीय शिक्षा या भी निबंध है, गांधी जी की देन या निबंध है, संत विनोबा भावे के द्वारा गीता प्रवचन निबंध है, गंगा निबंध है और स्थित प्रज्ञ दर्शन या भी निबंध है। आत्मज्ञान और विज्ञान उपदेश है, विनोबा भावे के विचार या भी उपदेश है, राजघाट की सन्निधि में संस्मरण है, भूदान यज्ञ या निबंध है, जीवन शिक्षण या निबंध है, गांव सुखी हम सुखी या भी निबंध है। राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा पत्तों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा माटी की मूर्ति या रेखा चित्र है, राम वृक्ष बेनीपुरी अम्बपाली नाटक है, जंजीरों और दीवारें या संस्मरण है, गेहूँ और गुलाब या भी निबंध है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वर्णन है, साहित्य अवलोकन या निबंध है, दृष्टिकोण या निबंध है, साहित्य बात करते हैं विनय मोहन के द्वारा साहित्य अवलोकन या निबंध है, विनय मोहन शर्मा के द्वारा दृष्टिकोण या निबंध है, विनय मोहन शर्मा के द्वारा साहित्य शोध समीक्षा या आलोचना है, विनय मोहन शर्मा के द्वारा भाषा साहित्य समीक्षा आलोचना है, विनय मोहन शर्मा के द्वारा रेखाएँ और रंग संस्मरण और रेखा चित्र हैं, प्रमोहन शर्मा दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा वृतांत, रामदाय सिंह दिनकर के द्वारा संस्कृति के चार अध्याय दर्शन है, अर्ध नारेश्वर निबंध है, वट पीपल या निबंध है, उजली याग या भी निबंध है, देश विदेश यात्रा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, भागवत शरण उपाध्याय की बात करें, खून के छींटे ऐतिहासिक निबंध है, भगवत शरण के द्वारा जो दिया हुआ इतिहास साक्षी है ऐतिहासिक निबंध है। इसके बाद विश्व साहित्य की रूपरेखा आलोचना, साहित्य और कला आलोचना, कलकत्ता से पिकिंग यात्रा वृतांत है, सागर की लहरों पर यात्रा वृतांत, छूटा आम या संस्मरण, मंदिर और भवन या संस्मरण है, इंडिया इन कालिदास समालोचना है, इतिहास के पन्नों पर ऐतिहासिक निबंध है, विश्व को एशिया की देन निबंध है, लक्ष्मी सागर वैष्णव या आधुनिक हिंदी साहित्य आलोचना, वार्तन दर्शन या भी आलोचना है, बीसवीं शताब्दी हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास या इनका इतिहास है, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका या इतिहास है, अनंत आकाश या निबंध है, जयप्रकाश भारती की अगला हिमालय की पुकार आलोचना है, विज्ञान की विभूतियां जीवनी है और चलो चांद पर चलें या विज्ञान है, अथासागर या आलोचना है, जयप्रकाश भारती का दुनिया रंग बिरंगी या निबंध है, अमृत राय कलम का सिपाही जीवन चरित, डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना समालोचना है, पांडे वेचन शर्मा उग्र अपनी खबर या आत्म कथा है, हरवंश राय बच्चन की बात करूं तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्म कथा या इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला हरवंश राय बच्चन नीड का निर्माण फिर आत्मकथा है।
या इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज का क्लासेस ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।